600K वाली बाइक को मैंने डिसाइड किया, इसको नाम देंगे हम बीच, बिकॉज़ वी आर गोइंग टू गोवा एंड इसको ऑफिशियली अपना बनाने के लिए ऐसे स्टिकर लगा दिया है रॉयल गर्ल विशाखा विद अ यूट्यूब लोगो विच इज सपोज टू कम हियर. लेट मी जस्ट शो यू द सेटअप हमने कैसे किया हुआ है. सो दिस नाउ इज नॉट अ KTM 390 एडवेंचर, दिस इज अपन का घर, क्योंकि तकिया मिलेगा, दो सीट टाइप तकिए मिलेंगे, चादर भी है जो कि मैंने लैपटॉप बैग के अंदर डाला हुआ है, मतलब लैपटॉप कवर करने के लिए. टू साड़ी बैग, सो अपने कपड़े हैं, एक में मेरे कपड़े हैं, एक्स्ट्रा सामान डाल सो भी लेटर. वाटर बॉटल यहाँ पर रख दिया है एंड ट्राईपॉड इज योर. हैंड बैग, व्लॉगिंग का सामान इसमें आ रहा है, आधे गैजेट इसमें है, ड्रोन इसमें है एंड लैपटॉप. पहले टू फिगर आउट कि लैपटॉप एक्चुअली रखे तो कैसे रखे, बिकॉज पूरा पकड़ के रखना मुश्किल है. कल ट्रायल एरर हो गया और मेरा ये राइट शोल्डर दुखना चालू हो गया है. बीच में रख नहीं सकते बिकॉज बैठने की जगह नहीं रहेगी. टॉप बॉक्स में तो मतलब बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि टॉप बॉक्स को हल्का सा पीछे लिया हुआ है और वो वाइब्रेट होता है. एंड सैडल बैग में देयर इज नो स्पेस टू कीप, आई डोंट नो व्हाट टू डू. देखो 10 बज गए हैं एंड इट टुक मी एंड स्वप्निल लाइक इयर्स टू स्ट्रैप इट अप बिकॉज अगेन इट्स आवर फर्स्ट टाइम. एंड नॉर्मली मैं पानियर्स यूज़ करती हूँ, सैडल आई यूज़ टू यूज़ अर्लियर, बट अभी उतना आइडिया नहीं था तो ये पूरा ताम झाम करने के लिए ज़माने निकल गए. उठे हम लोग कितने बजे से एंड हो गया. नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स हिट द रोड. एग्जैक्टली 10:06 पहले मैंने स्वप्निल को बोला तो मेरे को दे गाड़ी देखने दे करके, जो भी होता है मुंबई में गिरेंगे पड़ेंगे, क्योंकि नई गाड़ी प्लस स्वप्निल का इतना गेंडा वाला वजन एंड बैक का उसका डबल ट्रिपल गेंडा वाला वजन, तो वो चलाने को होना चाहिए. वैसे हो तो रहा है, मतलब बहुत इजीली ऐसे लेफ्ट राइट हो रही है गाड़ी मेरे से. तो लगता है अभी मैं चला सकती हूँ गाड़ी ये सब पूरा वजन लेकर. चढ़ना एंड उतरना इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर अस बिकॉज सीट भी एक्स्ट्रा लगाया हुआ है हम लोग ने, प्लस पीछे कुशनिंग भी लगा हुआ है. दैट इज द टफेस्ट पार्ट. And today is Sunday. Full photo shoot, toot, khali it is. Oh, pre-wedding chal raha hai. Yahan par to matlab Sunday ho ya Monday, rose ho pre-wedding day. Peeche baith ke sab hota hai. Thoda feel lena mere ko kaisa lagta hai. I hope ladko ko abhi samajh mein aaya hoga karke peeche baith ke kaisa lagta hai. 5 km bhi nahi baith paya peeche. Chadhne ka kaise isme samajh mein nahi aa raha. 1 2 3 Balance laga. अभी उतरेंगे ही नहीं, ठीक है, सीधा गोवा तक का. जिन भी लड़कियां पीछे बैठती है भाई, हैट्स ऑफ टू यू ऑल. हमसे तो ना हो पाई, 5 किलोमीटर पे ही स्वप्निल वहीं तक गया, मैं 5 सेकंड में वहीं तक गई पीछे बैठ के. नहीं पागल क्या, उतर नहीं सकते हम पीछे, ले भैया 2 ग्लास. हाँ मुंबई में 11:30 के धूप में चलाना, मतलब ऑलमोस्ट 12 बजे की धूप में चलाना इज स्टिल ओके बिकॉज सामने से हवा आती है एंड कूल ब्रीज आती है, बट पीछे बैठना आई थिंक मेरे लाइफ का ये पहला सबसे बेकार डिसीजन होगा कि एक ही बाइक पे इतनी लंबी ट्रिप जाना. अगर नॉन राइडर होती तो इतना ग्रिप नहीं करती, बट व्हेन यू नो हाउ इट फील्स व्हेन यू राइड एंड हाउ इट फील्स व्हेन यू सिट बिहाइंड, बहुत बोर होता है. इसको पकड़, वो मेरे को दे. बहुत बोर होता है पीछे. ऐसी कंपनी होगी स्वप्निल जैसी तो ट्रस्ट मी गाइस, आपको बोर इंटू 100 होगा. Because intercom connect होकर भी we keep quiet and I am somebody इसको बात करने की आदत है, मतलब I talk a lot at least में कैमरा रहता है मेरा, तुम लोग होते हो सुनने को तो I talk. पीछे बैठ के मैं कैमरा में बात कर लूँ दिखेगा क्या है इसका खोपड़ी, इसलिए वो भी नहीं हो रहा मेरे से. Sugar cane juice
because it's too hot. Then I was wondering how will I vlog sitting behind, but I can do it. मतलब मैंने कैमरा निकाल दिया है और हाथ में पकड़ा हुआ है माइक कनेक्ट करके अडाप्टर कनेक्ट करके ऐसा व्लॉग कर रहे अपन पीछे बैठे बैठे. जेन्युइनली बहुत ज्यादा त्रास हो रहा है मुझे. ठीक है, बाय द वे वी जस्ट क्रॉस करते हैं, तभी लोनावला आएगा, फिर पुणे आएगा एंड जब मैंने प्रॉमिस किया कि पुणे के बाद वो मुझे चलाने देने वाला है. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. So, एडवेंचर में लग गया है हमारे 600K नहीं बोलेंगे अभी, बीच को लग गया रिवर्स गियर. वी आर मतलब गलती से हम लोग ने चढ़ लिया है एक्सप्रेस हाईवे एंड लोनावला जो है वो नीचे है. अर्ली 50 मीटर ही आए होंगे, बट द ओनली थिंग इज दैट दिस इज अ लोडेड गाड़ी, तो उसको ऐसे रिवर्स लेने को थोड़ा सा पंगा हो रहा है. दैट्स इट, दिस इज द वे नाउ. एंड ये पूरा क्रॉस करके मतलब कंटिन्यू फॉर 21 किलोमीटर. ये ऐसी जगह है जहाँ से मुझे जाने को बिल्कुल पसंद नहीं है, छोटा टाइप्स हो गया ये इसलिए. Crickets see the moon, side by side and through, no limit to what we can do. What a relief. You paid him how much? After removing jacket, belt, bike pe se utar ke, my virus feels much better now. So we are at Vithal Kamath. Scoop madhe na. Scoop. Kasan hai? Cup madhe ka? Haan. Cup madhe bana hai? Haan, chocolate cup. After everything that happened yesterday with us regarding this trip, mere ko aise laga karke ye trip nahi hone wali hai. To main baar baar Swapnil ko yehi bol rahi thi. Goa jayega. Adventure chalayega. ये वाला प्लान फ्लॉप होने वाला है. जो जूल जैसे हमेशा गोवा के प्लान्स ड्रॉप होते हैं. हाँ, एक्चुअल टॉस इज दैट मंगाया था थाली, वो एक ही मंगाया था एंड इसमें आया एक ही गुलाब जामुन. एक गुलाब जामुन कौन खाएगा उसके ऊपर ऐसे कौन करता है पूरा खा ले. Okay, now it's my time to roll. तेरा मुंह दिखा देना एक बार प्लीज. प्लीज दिखा देना सैड फेस. Okay, so this is a jugaad that we did. खाने को जाते तो सीट के अंदर हमने ग्लव्स और हमारा बाराक्लावा है जो फिट कर दिया था. जो स्मॉल स्मॉल थिंग दैट मैटर्स अ लॉट. जो लैपटॉप है उसको यहाँ पर से साइड में बांध दिया है. चढ़ के नहीं बैठूंगी क्योंकि पैर फैला वो डालने को नहीं होता मेरे को उसमें से. मैंने पूरा वजन इधर डाला हुआ है. बैठा क्या सोने बैठा. अभी राइट पैर पे बैलेंस लेना, साइड साइड उठाना. आ जा भाई ऊपर. आ गया आ गया. रेडी. खाली बैठने के टाइम पे डर लगता है, ऐसा लगता है कि बस गएगा 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 वाली फीलिंग आती है. 364 किलोमीटर अपनी होटल है. अलग ही लगता है. मतलब बाइक चलाने के टाइम पे पीछे बैठते बैठते मैं कम से कम 15 बार ऊँगते ना डुलते वैसा हो रहा था मेरे साथ. मैं सोमिल को बोल रही हूँ यार सोमिल अपने नींद आ रही है. अरे बहुत बाद में हो रहा है रे ये.
मतलब फिर वो पकड़ रहा है रेस. क्या हो गया? दुख रहा है बम या वायरस पेनिंग? 6 का आरपीएम क्रॉस होता है ना तभी वो पकड़ रहा है. ओस्लो वैलेंटिनो रॉसी. सो मी एंड सोपल वी आर कनेक्टेड वाया इंटरकॉम. अरे भारी भारी टर्न्स है. सोपल 100% पछतारा हुआ रहेगा करके, अरे यार ये मेरे को काट लेना चाहिए था करके, फिर देना चाहिए था भाई को, या तो फिर रुकाना चाहिए था. अलग ही मजा आ रही है मेरे को चलाने में अभी. बच्ची Yeah, you and I both longing for expression for the things we like, but we stay quiet. Hold me now, hold me now. Tell me things, tell me all about how you feel. Just let yourself go. Say it loud, wake the world on the other side. Make it real. Just let yourself go. Just let go. थूकी लटक रही है तेरी एड़ा. अबे उसने कितना गंदा थूका देखा और पूरी सी लटक रही है उसका. शी शी आई डोंट नो हाउ. गोप्रो की बैटरी मेरी हो गई 0. मतलब अभी जस्ट चेंज किया था खाने के टाइम पे मैंने, जो कि फुल चार्ज थी एंड ड्रेन्ड. अचानक मैं भयानक बैटरीज भी ड्रेन होते जा रही है. मतलब आज कल लाइफ में किसी का भी भरोसा नहीं, कोई भी कभी भी धोखा दे सकता है. मालिन के मिरर्स की इतनी आदत हो गई है मेरे को कि ये जो है मिरर्स अभी वो इतने छुटकू लगते हैं, आधी दुनिया ही ऐसी दिखाई देती है मेरे को. ये दिन का तीसरा टोल. आई डोंट नो ये टोल क्रॉस करके मेरे को ऐसा लगता है चलो करके राइड का जो माइलस्टोन्स होता है ना वो क्रॉस कर रहे हैं हम. आंटी मस्त कास्टा पहन के बैठी है देख. अभी मेरे को ऐसा लगता है कि सिटिंग एज अ पिलियन इज ऑल्सो ए आर्ट. एन आर्ट और ए आर्ट जो भी है बट इट्स आर्ट. सीधा पहाड़ से आके अपन चले पानी के पास. ड्रास्टिक चेंज ना. वायरस दुख रहा है, वायरस देखना एक्चुअली लग रहा है. घर लेके चल रहा अपन. शील्ड है ये, शील्ड कैप्टन अमेरिका की बचा के रखी है इसने. इंस्टाग्राम पिक्चर के स्ट्रगल्स एक दूसरे के फोटो सामने निकाल दिए बट हम दोनों का फोटो निकालने के लिए ट्राईपॉड है बट लगाने के लिए हमको बड़ा नाटक हो रहा है. कहाँ चलेगा देखो सब. रेडी फुल फुल कर. बेलगाम 121 बैंगलोर 623 208.5 hours more to reach. बहुत सारी है अभी. हेडलाइट दिखाई दे ही रही है गाड़ियों की. चाय वाय दिख रही है क्या? चाय कॉफी मिलेगा? मिलेगा. इसके पास या होटल में? अंदर थोड़ी जाना है अपने को, बाहर पीना है ना. तो होटल में देखो 25 रुपए की चाय मिलेगी. और जो लेफ्ट में था ना चाय वाला, ऐसे घुमा और वो लेफ्ट और ऐसे घुमाएगा ना वहाँ पर लेफ्ट पे जो था वो टपरीज थी ना. Oh hello! It is 19:37. 19 minus 2 is 7. 7:37 it is. So हम लोग हैं निपानी में. And what a ride! वायरस सूच चुका है अभी तक. रियली अमेजिंग राइड इन दिस बाइक. मतलब बहुत मजा आ रही है. आई थिंक आफ्टर स्वप्न से आफ्टर 220 उसको आज मजा आई है भाई. 220 के बाद आज ऐसे कुछ लगा के चला रहा हूँ. नाउ इट्स गोइंग टू बी निपानी घाट, अम्बोली घाट, घाटों का घाट, अम्बोली निपानी घाट के लिए हम लोग हो रहे तैयार. इतना ही बताना था कि कॉफ़ी पी रहे ये बताने के लिए इतना लंबा थोड़ा भाषण दे देना पड़ा मेरे को. ओ बाय द वे अभी मतलब वी आर गेटिंग यूज्ड टू इट, हाउ टू क्लाइम ऑन द बाइक एंड हाउ टू गेट ऑफ द बाइक हो रहा है. धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी अपनी. आपने कभी लेनी की ना बाइक? फिर अभी 700K वाली बाइक आएगी. एंड लुक वी हैव अ फ्रेंड छोटकू. जो मर्जी बुलाओ, मेरे डॉग्स ऑल ओवर इंडिया में मिलेंगे. सो व्हाटएवर नेम आई गिव
इज आई गिव। इतना टाइम इसीलिए लग गया क्योंकि पूरे राइडिंग करियर में पहली बार इतना ज़ोर से प्रेशर आया था मेरे को पॉटी का, वरना हमेशा होटल में कर होटल या घर पे करके हमेशा निकलती, बट ये बार क्या हो गया पता नहीं। देयर इज़ दिस सो क्लीन होटल, नाम दिखाई नहीं दे रहा क्या है, अंडरग्राउंड है वॉशरूम उसका, एंड सो ह्यूज, लाइक इतना बड़ा एक वॉशरूम है। तो मैंने बोला यार मौका मिला है, मारा चौका चौका मार के अंदर। So I am not riding. Adilkar is riding again. क्योंकि इसको घाट पे चलाना है एंड यार अब नहीं तो कब, अपन जाते थे राइड पे तो अपने को बोलना पड़ेगा जा स्वप्निल जी ले अपनी जिंदगी। सो नाउ इज गोइंग टू बी लाइक द बेस्ट, एक्चुअली होता बेस्ट अगर दिन में जाते तो, बट रात में भी घाट पे चलाने का मजा इज डिफरेंट। एंड पहली बार अपन घाट पे पीछे बैठे क्या, चाय कॉफी, एक चाय एक कॉफी, वॉशरूम है यहाँ पर। So after that shot, we just had chai and coffee. And sir ने आदत लगा दिया इसलिए मैंने चाय पी लिया, and suddenly light, poof, मतलब कुछ भी नहीं है आस पास नहीं। It is 11:13. आई थोड़ी सी रोशनी की उम्मीद, गाड़ी वाले रुक जाए यहीं पर थोड़ा देर। Oh hello, we have reached Goa. चेक पोस्ट क्रॉस कर लिया है गोवा का हमने। Yeah bro. कमी ना इकड़े पेट्रोल चा रेट। आज का व्लॉग सब नाइट में हो रहा है। इट इज 1:38, वी हैव रीच्ड आवर होटल ओकियन डे गोवा इज द नेम ऑफ द होटल। कोई है क्या भाई? अरे भाई अपने इधर बुकिंग है। हाय, बुकिंग है विशाखा। सो नदीम भाई के उधर की बर्गर खाने के बाद मतलब हम लोग के जान में जान है। वी वर सो हंग्री पूरे रास्ते में, एक तो लाइट नहीं, ऊपर से कुछ खाने को नहीं, ऊपर से सो बैड रोड्स, गोवा एंटर करते ही रास्ते ख़राब हो गए। एंड अभी नहा तो गए, आई एम फ्रेश फ्रेश शक्ल से, बट मुझे भी नींद आ रही है। सो आई एम गोइंग गो एंड स्लीप एंड एंड द व्लॉग हियर। सो एज ऑलवेज गाइस, दिस इज राधिका विशाखा साइनिंग ऑफ, ब्रेकिंग ऑल योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ इट। आई एम गोइंग टू सी यू गाइस इन अनदर व्लॉग। पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट डाउन बिलो योर फेवरेट पार्ट, सब्सक्राइब इफ यू हैवन सब्सक्राइब, एंड शेयर इट अक्रॉस विद योर फ्रेंड्स। एंड इट इज दिवाली टाइम, सो हैप्पी दिवाली टू ऑल माय लवली पीपल। थैंक यू सो मच स्क्वाड। आई जस्ट होप एंड प्रे दैट आपको एंड आपकी फैमिली मतलब सबका घर सुख एंड संपत्ति से भरे रहे। मे हैप्पीनेस बी देयर विद यू ऑल टिल देन। कीप कॉम एंड घेवन टक मोर पार्ट। गाड़ी का सोने का सफर यही तक था, फिर मिलेंगे। सबिल को यही छोड़ के जा रही हूँ मैं, बस ऐसे फोटो चाहिए, गाड़ी लगी हुई और बैठा हुआ एक नंबर।